अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ऑर्गेनिक पोल्ट्री फार्म में आपको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, काफ़ी देर से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर सका था, मैं काफ़ी बिजी रहा हूँ क्योंकि मैं अपने सेटअप को एक्सपेंड कर रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं, हल्की सी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल वीडियो जल्द आएगी इंशाल्लाह। तो उससे पहले अब क्योंकि एक नया फ्लॉग डाला हुआ था, वो सामने है जी, आप देख सकते हैं। उस फ्लॉग के अंदर जैसे ये फ्लॉग ग्रो करता है, जो मुझे मेरे मेन फ्लॉग में भी इशू आया था कि जो मेल रूस्टर्स होते हैं वो फीमेल्स के जो है ना वो सर को इंजर्ड करने लग जाते हैं, क्योंकि वो जब अपनी बीक से पकड़ते हैं तो उनका सर इंजर कर देते हैं, जैसे कि ये अभी इंजर किया है। नाज़रीन, आपको जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो कॉटन के अलावा आपको रिक्वायर्ड है पायोडीन के अलावा आपको रिक्वायर्ड है जी एक ये आपको मिल जाएगी ट्रू सिल्क के नाम से। ये सिल्क ब्रेड होती है, तो सिल्क का धागा होता है एक्चुअली, 0.3 का होता है इसका नंबर होता है और 75 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। इसके अंदर नीडल जो होती है ना स्विंग वाली, इनके सर को या जख्म को सीने वाली, वो इसके अंदर ही होती है। तो नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं। अब काइंडली अगर ठीक से व्यू नहीं आ रहा, उसके लिए माजरत। उसकी वजह यह है कि मेरे पास कोई बंदा नहीं है जो इस मोबाइल को होल्ड कर सके, मैं अकेला ही हूँ इस टाइम। तो आप जख्म को देख सकते हैं। मैं इसको सबसे पहले क्या करूँगा, पायोडीन इसके ऊपर डाल के अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगा। अच्छा, एक चीज़ की एहतियात करिए कि जिस जगह जब आप ये काम कर रहे हो तो अपने कपड़ों के ऊपर कोई एक एक्स्ट्रा कपड़ा रख लें, ताकि जो भी आपके पायोडीन या जम्स आए हुए हैं वो आपके कपड़ों से ना लगें, क्योंकि आपने दूसरे बर्ड्स के पास भी जाना होता है, तो इस चीज़ का एहतियात करें। एक्स्ट्रा फैदर्स को काटें ताकि वो ज़ख्म के अंदर ना जाएं और आपके सिलाई करते हुए जो है ना इंटरफेयर ना करें। अच्छा जी, वाउंड क्लीन हो गया जी, ये देख सकते हैं आप। पहले उसके ऊपर क्लॉट था और पर थे तो वो नज़र नहीं था आ रहा, अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसका सर ओपन कर दिया उन्होंने। ये निडल है और ये थ्रेड है अंदर, आपने निडल को उतारना है, थ्रेड सारा निकाल लेना है। 75 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। अब बड़े एहतियात से आपने ये काम करना है। अच्छा, एक स्पेसिफिक तरीका होता है गिरा लगाने का टांके पे, जो कि डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, बट अगर आप सादी गिरा भी लगा लेंगे तो वो काम चलेगा। पायोडीन लगाई, फिर से थोड़ा सा नीट किया ताकि हमें विजिबिलिटी हो। अच्छा, अब आपने स्टिचेस किस तरह से लगाने हैं। एक चीज़ की आपने एहतियात करनी है कि जिस जगह से आपका वो स्टिच उतरा है, स्किन उतरी है ना, उसी जगह पे जाकर वो अटैच हो। ऐसा नहीं करना कि जहाँ मर्जी टांका लगा दिया पकड़ के, जहाँ से आपने कोशिश करनी स्किन फटी है वो वहीं पे जाकर अटैच हो और सिरे से सिरा अटैच हो। अगर आप स्किन के ऊपर स्किन को चढ़ा के लगा देंगे वो ज़ख्म बंद हो जाएगा, भर जाएगा, टाइम ज़्यादा लेगा थोड़ा सा, लेकिन वो एक स्किन उभरी हुई थी उसकी लाइफ टाइम के लिए उसके सर पे रह जाएगी, जो कि कल को फिर से ज़ख्म का बाइस बन सकती है। कोशिश करें ऐसा ना हो। हम ना सिरे पे से बिस्मिल्लाह करते हैं। अब धागे को सिरे तक ले आएँ बिल्कुल, एंड सारा धागा गुजार दें इसमें से, सारा धागा गुजार के सिर्फ एंड पे आपने थोड़ा सा सिरा छोड़ना है, उस सिरे से आपने गिरा लगानी है। अब ये देख रहे हैं ये दोनों सिरे हैं, ये मैंने तकरीबन थोड़ा सा कह लें 2 सेंटी या 1.5 सेंटी सिरा छोड़ा ताकि मैं गिरा आराम से लगा लूं। और ये गिरा लग गई फर्स्ट। गिरा आपने हमेशा 2 से 3 लगानी है, एक गिरा से काम नहीं चलता, ऑलवेज जो है ना हमने 2 से 3 गिरा लगानी लाजमी। ये थोड़ा सा छोड़ के फिर हमने कट करना है, क्योंकि कल को जब ये हील हो जाएगी तो हमने ये थ्रेड निकालने भी हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ के हम कट कर देंगे। ये हमारा पहला टांका हो गया और मुझे लगता है कि सिर्फ 2 टांके और लगेंगे, 2 या 3 मैक्सिमम। टांके में ज़्यादा वाया नहीं छोड़ना आपने,
क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस छोड़ेंगे तो उसके अंदर जो है वो पीप वगैरह बनेगा, बंद नहीं होगा ठीक तरह से, और कल को मक्खियाँ वगैरह बैठेंगी, और अगर मक्खी ने बैठ के एग्स ले कर दिए तो मैकेट्स बन जाएंगे अंदर, वो कल को आपके बर्ड के लिए इशू बन सकता है और ज़ख्म ठीक होने के बजाय और ख़राब हो जाएगा। अगर आपको विजिबल हो रहा है तो ये निडल एक तरफ से गई और दूसरी तरफ से निकल गई, सिरे से सिरा जोड़ना है अपने। तो नाज़रीन ये स्टिचेस लगे हैं, 4 स्टिचेस लगे हैं, 3 जो हैं वो सीधी लाइन में लगे हैं और चौथा जो है ये एल शेप में जो स्किन उतरी थी वहाँ पर लगा है। अब ये मैं आपको हल्का सा खींच कर फिर दिखा रहा हूँ, तो स्टिच नहीं खुल रहे। आपने भी इसी तरह गैप रखना है, गैप जहाँ ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे ज़ख़म खुला रह जाएगा और वहाँ पे मैगेट्स जो हैं वो बन सकते हैं, क्योंकि मक्खियाँ एग ले कर देती हैं ज़ख़मों में गर्म जगहों पे। तो बर्ड अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अब ये 2 बर्ड्स हैं जिनको मैंने पहले स्टिचेस लगाए थे, इनके साथ मैं इसको छोड़ दूँगा 7 दिनों के लिए। अब मैंने इसको छेड़ना ही नहीं 7 दिनों के लिए, ना पायोडीन लगानी है, ना इसकी सफाई करनी, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ मैं इसको एक बार अभी फिर से पायोडीन से साफ़ करूँगा अच्छी तरह, और उसके बाद मैं इनको इन 2 बर्ड्स के साथ छोड़ दूँगा जिनका पहले ये ज़ख्म हुआ था। तो अब तक के लिए इतना ही, मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे मेरी एफ़र्ट्स का जो है वो रिटर्न मिल जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।